कर्नाटक में ओल्ड पेंशन स्कीम को नाफिज करने और न्यू पेंशन स्कीम को मनसूख करने के लिए काबीना में बहस की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि यह फैसला बजट में पेश हो। इस बात की इतला वज़ीर आला सिद्धरामैया ने की दी है। उन्होंने यहाँ सरकारी मुलाजिमीन के मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों के साथ बात करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा 5 गारंटियों को अवाम तक पहुँचाने के लिए मुलाजमीन ईमानदारी के साथ काम करें। विधान परिषद के साबिक रुकन VS उग्रप्पा ने बात करते हुए कहा कि साल 2006 में NPS को जारी किया गया था, जिसके मातहत 2.89 लाख मुलाजमीन पेंशन की रकम को NSDL फंड्स में जमा कर रहे हैं। इसी रकम का इस्तेमाल करते हुए वजीफा याबी के दौरान मिलने वाली GPF की रकम में जमा किया जाए। साथ ही साथ वोट फॉर OPS तहरीक में शामिल होने वाले मुलाजमीन पर हो रही कार्रवाई को ख़त्म की जाए। राजस्थान छत्तीसगढ़ में NPS को ख़त्म कर दिया गया है, इसी तरह से कर्नाटक में भी NPS को ख़त्म करते हुए OPS जारी किया जाए। NPS में दस्तियाब 19,000 करोड़ रुपये हुकूमती तरक्याती कामों के लिए इस्तेमाल करे और मुलाजमीन के हिस्से में आने वाले 9,000 करोड़ रुपयों का GPF में तब्दील किया जाए। इसके अलावा जो बकिया 10,000 करोड़ रुपये की रकम है, उसे हुकूमत सरकारी मंसूबों के लिए इस्तेमाल कर सकती है। इस पर वज़ीर आला सिद्धरामैया ने यकीन दिलाया कि वो इस सिलसिले में काबीना की नशिस्त में बहस करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस तलक से बजट में ऐलान हो। इस मौके पर टीचर्स एसोसिएशन के PTCL मुलाजिम एसोसिएशन, रेवेन्यू महकमे के अफसरान, हेल्थ और मुख्तलिफ महकमों के अफसरों की तंजीमों ने शिरकत की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, बेंगलुरु।